रहमानरहीम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर का नाम है माइक्रो डाइसेक्शन, यानी माइक्रोस्कोपिकली हम किस तरह डाइसेक्शन करते हैं, किस तरह हम माइक्रोस्कोपिक बॉडी को हम कट लगाते हैं, किस तरह हम उसको काट लेते हैं। तो डाइसेक्शन मीन टू कट इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं माइक्रो डाइसेक्शन के जरिए। डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन। सेल्स आर इट्स ऑर्गेनिज्म, सेल्स और इट्स ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम मतलब माइक्रोस्कोपिकली उसमें डाइसेक्शन कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंस है, दिस टेक्निक इज यूज फॉर द डाइसेक्शन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब हम क्यों डाइसेक्शन करते हैं, इसलिए डाइसेक्शन करते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को अलग अलग स्टडी कर सकें। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर ए नंबर क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। क्रोमोसोम का किस तरह हम माइक्रो डाइसेक्शन करते हैं, By this technique, a portion of chromosome is cut by using fine glass needle under the microscope. Microscope के जरिए हम fine glass needle के जरिए हम chromosome के किसी भी part का हम dissection कर सकते हैं। B number, laser micro dissection. हम laser के जरिए dissection करते हैं। SL can be dissected by using laser through माइक्रोस्कोप। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स और डेफिनेशन किस तरह है, इट इज अ हार्ड रिजिड परमीएबल एंड नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है, हार्ड है मतलब रिजिड है, परमीएबल है। डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट होप ने 1665 में, और मेड ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, यानी ये जो सेल वॉल है ये लिविंग प्रोटोप्लाज्म से बनते हैं, मतलब लिविंग प्रोटोप्लाज्म सीक्रेट करते हैं सेल वॉल, और ये डेड मटेरियल्स हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल जो है केमिकली किस तरह, मतलब ये किस किस चीज से बना है। तो सेल वॉल जो है, यानी प्लांट सेल वॉल, इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया म्यूरिन से बना है, म्यूरिन को हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेवल। देखिए ये डायग्राम है, ये दोनों मतलब प्लांट सेल है और प्लांट सेल के दरमियान में एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड मिडल लेवल। आउटर मोस्ट लेयर को मतलब प्राइमरी वॉल कहा जाता है। मिडल लेवल, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल जो है दे लाइक इनसाइड द प्राइमरी वॉल। सो प्राइमरी वॉल को एक्सप्लेन करते हैं, इट इज द ट्रू सेल वॉल, इट इज कंपोज ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये प्राइमरी सेल वॉल बना है इन चीजों से। और इसका थिकनेस कितना है, 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस होता है। सेकेंडरी वॉल जो है, इट इज फॉर्म इन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल के इनर सरफेस में मतलब बनता है। इट इज अ थिक एंड रिजिड, और थिकनेस कितना है, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस है। दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ड वुडी पोर्शन ऑफ द प्लांट, और ये जो है ये हार्ड वुडी पोर्शन में मतलब ये सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होता है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका एंड वैक्सेस एटसेट्रा। यानी केमिकली ये सेलुलोज से बना है, लिग्निन से बना है,
इनऑर्गेनिक साल्ट से बना है, सिलिका से बना है और वैक्स से। इसके बाद है फंक्शन ऑफ सिल्वा। तो फंक्शन ऑफ सिल्वा जो है, इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू सेल, यानी एक सेल को ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इट मेक द बॉडी ऑफ प्लांट रिजिड, प्लांट बॉडी को रिजिड रखता है। इट आल्सो प्रोवाइड परमेबिलिटी टू सेल, इट प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ सेल, यानी सेल के इनसाइड जितने भी कंटेंट्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जितने भी कंटेंट्स हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, ये था माइक्रोडाइसेक्शन के बारे में और सेल वॉल के बारे में।